अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेमन आज आप लोग के लिए लेके आई बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश। वो है केक। ना हमें ओवन की ज़रूरत है, ना ही हमें चूल्हे की। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे जाके सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बआसानी देखने को मिल सकें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने लिए चार अदर स्लाइस। आपको देखनी है कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके कॉर्नर काट लेंगे, जो चारों तरफ से हम थोड़ी थोड़ी इसकी किनारियाँ काट देंगे। स्लाइस अगर मीठी मिल जाए तो केक का मज़ा और बढ़ जाएगा, और वरना आप ये वाली स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हमने चारों कॉर्नर जो हैं वो काट लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चारों कॉर्नर इसके साफ कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिए बीपी विप की क्रीम, जो केक के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। इसमें शुगर शामिल होती है तो मैं इसमें शुगर शामिल नहीं करूँगी। एक कप मैंने बर्फ़ बनी हुई क्रीम ले ली है और इसे हम बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग केक बनाने के लिए क्रीम लेंगे तो क्रीम आपको बर्फ बनी हुई चाहिए, उसी वक्त आप इसने बीट करना है। अगर आप लोग उसी वक्त बीट करेंगे तो आपको क्रीम अपना बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देगी, और अगर आप लोगों ने क्रीम को निकाल के रख दिया और कुछ देर बाद बीट करेंगे तो क्रीम का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि ये बीट सही हो चुकी है या नहीं, तो यहाँ पर ये सही बीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर इसे हम और चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पर इतनी देर बीट करूँगी कि मेरी क्रीम जो है वो फोम की शक्ल इख्तियार कर ले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्रीम ने फोम की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने एक तेज स्लाइस की रख दिए, और मैंने यहाँ पर फ्रूट का टिन लिया था जिसमें से फ्रूट सिरप भी निकलता है, मौजूद होता है, तो मैंने उसी फ्रूट सिरप को ले लिया है। और यहाँ पर मैं स्लाइस पे अच्छी तरीके से इसे पिला दूँगी ताकि हमारी स्लाइस जो है वो नरम हो जाए, इतनी नरम हो जाए कि हमारी स्लाइस जो है मुँह में जाते ही घुल जाए। यहाँ पर हमें सिरप को चारों तरफ पिलाना है। तो यहाँ पर अब हम अच्छे तरीके से इस पर क्रीम लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद इसे मैंने छुरी से आराम आराम से फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रूट की सजावट कर लेंगे। फ्रूट वही वाला है जो मैंने टिन लिया था, टिन में से फ्रूट निकला था। अब फ्रूट को हम चारों तरफ इस तरीके से बिछाएंगे कि हमें वो हर पीस के अंदर फ्रूट मिल सके। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो फ्रूट जो है किसी जगह पर होगा और किसी पीस में नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मैं दूसरा पीस रख लेती हूँ। यहाँ पर भी हम फ्रूट सिरप जो है वो अच्छी तरीके से पिलाएंगे, कोनों में भी डालेंगे और इसके बीच में भी हम डालेंगे। अगर आप फ्रूट का टन नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर शुगर सिरप भी बना सकते हैं। शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है। आप एक आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें 3 चम्मच आप चीनी डाल दें और चीनी को इतनी देर हल करें जब वो पानी में मिक्स हो जाए। समझ ले, पानी में मिक्स हो गई तो आपका शुगर सिरप तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक ते और भी क्रीम लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर फ्रूट बिछा रही हूँ। फ्रूट लगाने के बाद इसे हम फिर एक स्लाइस की ते और लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस की ते और लगा दिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिरप पिलाते हुए मैं उंगली की मदद से इसे सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट करने की वजह यह है कि हमारी नीचे वाली जो क्रीम है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस पर हमने अच्छे तरीके से सिरप को पिला दिया है, और अब इस पर हम क्रीम की ते लगा रहे हैं। तो इस ते को भी हमें बड़े आराम से और आसानी के साथ लगाते हुए चले जाना है।
यहाँ पर हम फिर एक तेल फ्रूट की लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास टन वाला फ्रूट नहीं है तो आप लोग अपने कोई भी घर के फ्रूट से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप केला भी शामिल कर सकते हैं, कीवी भी डाल सकते हैं, फ्रूट अंगूर है, सेब है, कोई भी फ्रूट हो आप लेके बना सकते हैं। तो आपके पास शुगर सिरप भी तैयार हो सकता है और आप बआसानी फ्रूट भी घर के फ्रूट से केक आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं जो फ्रूट सिरप किस तरीके से इसे पिला रही हूँ, आखिरी तय को आपको बड़े ध्यान और तहमुल के साथ इसे फ्रूट सिरप पिलाना है ताकि आपकी नीचे वाली क्रीम जो है वो ख़राब ना हो, बरकरार रहे। तो यहाँ पर अब मैं आखिरी पीस लगाया, उस पर हम अच्छे तरीके से इसे क्रीम को बिछा लेंगे। और मैंने जो छोटा केक बनाया, आप लोगों ने बड़ा बनाना है तो आप स्लाइस की मिकदार यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े प्यार से, बड़े तहमुल के साथ आपने छुरी की मदद से इस पर क्रीम को सेट करना है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी जज्बाती की तो समझ ले क्रीम आपकी पूरी वापसी आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे कोनों में भी क्रीम लगाना है तो हम कोनों में भी लगा रहे हैं लेकिन थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसे उल्टी रख दी है और इसके ऊपर प्लेट रखी है तो बड़ी आसानी से प्लेट हमारी घूम रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कोने कोनों में क्रीम लगा दी है और इसे घुमाते हुए बड़ी आसानी से क्रीम लगी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से किसी बर्तन के ऊपर उल्टा करके उसके ऊपर अगर प्लेट रखेंगे तो बड़ी सफाई से क्रीम लग जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप कितने अच्छे से हमारी क्रीम जो है सेट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड फ्रूट कलर, जो मैंने 2-3 कतरे डाले हैं क्योंकि मुझे इसका पिंक कलर चाहिए। तो वाइट में जब रेड कलर हम डालेंगे, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो रेड की शक्ल इख्तियार करेगा, मुझे चाहिए लाइट पिंक कलर। तो मैंने इसके अंदर 2-3 कतरे डाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पिंक कलर बन चुका है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है, उसके अंदर एक स्टार वाला नोजल रख दिया है। ये पाइपिंग बैग आप देख सकते हैं मैं गिलास के अंदर बिछा दूंगी ताकि ये क्रीम जो है आसानी से हम इसके अंदर भर लेंगे। अगर हम हाथ में रख के भरेंगे तो हमारा पाइपिंग बैग भी ख़राब हो जाता है और क्रीम हमारा बहुत ही ज़ाया हो जाती है। तो इसमें जो मैं बिछाऊंगी तो बहुत ही आसानी से हमारी क्रीम इसके अंदर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम को भर लिया है और इसके में चारों तरफ से कोने जो है बड़ी आसानी से आप इसे उठा सकते हैं। तो चारों कोनों को हम लेंगे ताकि हमारा पाइपिंग बैग जो है ऊपर से ख़राब नहीं होगा। आप देखें ऊपर से हमारा पाइपिंग बैग बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी जो हवा है और हम एयर इसकी निकाल देंगे। तो एयर निकालने के लिए हम थोड़े से क्रीम को साइड पे निकाल लेंगे ताकि हमारे फूल खूबसूरत से बने। तो ये देखें यहाँ पर हमने एयर निकाल दिए। अब इस पे मैं छोटे छोटे से फूल फ्लावर बना लूँगी। आपके पास जो भी डिज़ाइन का हो आप उस तरीके का डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, नोज़ल नहीं है, तो यहाँ पर भी परेशान नहीं होना है। इसकी वजह ये है कि आप और चीज़ों से भी सजावट कर सकते हैं। चॉकलेट ले लें, बंटी ले लें, कलर वाली गोलियां मिलती हैं उसकी सजावट करके सजा लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने फ्लावर बनाए, साइडों में छोटे छोटे फ्लावर बनाए और ऊपर हमने इसके गोल्डन मोती रख दिए। तो देखें आप कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त और कितना जल्दी ये केक बन गया है। तो देखिए अब मैं आपको इसको कटिंग करके बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं कि आपको समझ आ रही होगी कि हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पर देखें आप सारे पीस के अंदर आपको नीचे से लेके ऊपर तक फ्रूट नज़र आ रहा है। और अब मैं इस केक को आपको चख के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो वाह क्या केक बना है, मुंह में जाते ही घुल गया है और मज़ेदार। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं एक चम्मच और भी खा लेती हूँ। बहुत मज़े का है, यकीन जाने। आप फटाफट से डबल रोटी स्लाइस ले लीजिए और क्रीम ले लीजिए और फटाफट अपने घर में फ्रूट रखा हो उससे आप इस केक को बना लीजिए। और देखें यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पेस्ट्रियाँ काटी हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बच्चे तो इस केक को देख के बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो आप लोग अभी इस रेसिपी को बना लीजिए
और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।